जब तक सूरज चांद रहे, राहुल तेरा नाम रहे। नमस्कार, सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बेटे ने दिया मुखाग्नि तो हर कोई नहीं रोक पाया अपने आंसू। पूरे राजकीय सम्मान के साथ 96 विधायक राहुल कोल को लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। चील में गंगा नदी के किनारे किया गया अंतिम संस्कार। इस दौरान अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी कैलाश चौरसिया, पूर्व जिला अध्यक्ष सपा शिवशंकर यादव, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मनोज जायसवाल, जिला अध्यक्ष रामलोटन बिंद, जय सिंह, सुजीत मदनवाल, रामू सिंह, गोपाल दास शर्मा, कीर्ति कोल, संत श्री राही बाबा, सांसद प्रतिनिधि इंद्रेश सिंह, पूर्व प्रतिनिधि विनोद यादव, सपा नेता वकील कुमार सरोज, विशाल यादव समेत तमाम नेतागण व अपार जन समूह मौजूद रहा। राहुल प्रकाश कोल अपना दिलेस के टिकट से लगातार 2 बार छानबे विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। काफी दिनों से वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे। मुंबई में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। देर रात उनका शव मुंबई से वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। राहुल प्रकाश कोल केवल पार्टी के विधायक नहीं थे, बल्कि मेरे छोटे भाई के समान थे और मेरे ही क्षेत्र की विधानसभा से राहुल ने निरंतर संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। पार्टी को मजबूती प्रदान करने में भी लगातार राहुल प्रकाश जी ने अपना योगदान दिया और हम अपने ऐसे छोटे भाई को खोकर आज हम सब, हमारा पूरा अपना दल परिवार बहुत दुखी है और सही मायनों में ये एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राहुल मेरे छोटे भाई जैसे थे और उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को बखूबी विधानसभा तक न सिर्फ पहुंचाया बल्कि उन्हें दूर भी कराया। उनके जाने से न सिर्फ पार्टी को बल्कि मुझे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी पीड़ा हुई है और मैं इस दुख की घड़ी में पूरी तरह से उनके परिवार के साथ हूँ। अंतिम दर्शन के लिए घाट के किनारे लोगों की भारी भीड़ लगी रही। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि राहुल के जाने से क्षेत्र और प्रदेश ने एक अच्छा नेता खो दिया है। वह मेरे छोटे भाई जैसे थे और मुझे उनकी कमी हमेशा खलेगी। राहुल कोल का यूं चले जाना न सिर्फ परिवार के लिए कष्टकारी है बल्कि पार्टी और उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता काफी दुखी है। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर, धन्यवाद। अपना दल के लोकप्रिय कर्मठ युवा विधायक रहे राहुल प्रकाश कोल जी, जिन्होंने लंबी गंभीर बीमारी से जूझते हुए कल अंतिम सांस ली। राहुल जी अपने क्षेत्र की जनता के लिए, उनके मुद्दों के लिए सदैव सड़क से लेकर विधानसभा तक मुखर रहे और जनजाति समाज से अंतिम पंक्ति से आने वाले हमारे ऐसे ऊर्जावान पार्टी नेता थे जिनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। आज समस्त अपना दल परिवार दुखी है, मर्माहत है और हम सभी यहाँ पर एक साथ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। उनके परिवार को, सभी लोगों को, हमारे माननीय सांसद पकौड़ी लाल कोल जी जिनके वो सुपुत्र थे, उन सभी के प्रति हम अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। मैम, आप एयरपोर्ट पे भी थी, घर पे भी गई, यहाँ भी आई हैं, व्यक्तिगत आपके लिए एक एकदम मेरे लिए राहुल प्रकाश कोल केवल पार्टी के विधायक नहीं थे, बल्कि मेरे छोटे भाई के समान थे और मेरे ही क्षेत्र की विधानसभा से राहुल ने निरंतर संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। पार्टी को मजबूती प्रदान करने में भी लगातार राहुल प्रकाश जी ने अपना योगदान दिया और हम अपने ऐसे छोटे भाई को खोकर आज हम सब, हमारा पूरा अपना दल परिवार बहुत दुखी है और सही मायनों में ये एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगी आज हमारे छानबे के विधायक जी अब नहीं रहे? आज हमारे छानबे विधायक जो है, आप लोग आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया है आज की। हमारे विधायक जो थे कि इतने प्रिय विधायक थे, ऐसा विधायक कभी नहीं।